प्रभु के दर्शन की भूख ही एक सच्चे भक्त की भक्ति को और दृढ़ बना देती है। और यही हुआ बाल ऋषि पतंजलि के साथ। उनकी ये भक्ति न केवल उन्हें ऋषि व्याघ्रपद के निकट ले गई, अपितु उन्हें वो स्थान भी मिला जो उनकी तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त था, जो बाद में चिदंबरम धाम के रूप में प्रख्यात हुआ। ओम नटराजाय नमः। प्रभु के रहस्यमय आकाश लिंगम के दर्शन पाते ही बाल ऋषि पतंजलि वही प्रभु को आनंद नृत्य में देखने का सौभाग्य पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। और इस प्रकार प्रभु के दो महान भक्त, एक ओर ऋषि पतंजलि और दूसरी ओर ऋषि व्याघ्रपद, एक ही समय पर एक ही पावन धाम चिदंबरम में प्रभु के आनंद नृत्यम को देख पाने की इच्छा से घोर तप करते गए। और धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी कि वो अपने स्थान से डिगे बिना वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। ओम नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। जाए नमः। फिर जब दोनों की तपस्या चरम पर पहुंची, तो प्रभु महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किए। सामान्यतः भक्त प्रभु भक्ति में झूमते हैं, किंतु यहाँ तो प्रभु स्वयं भक्त के लिए आनंद नृत्यम की लय में झूम रहे हैं। अद्भुत है महादेव, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कृपा से हम धन्य हो गए। आपके आनंद नित्यम के दर्शन कर हमारा तन मन हमारी आत्मा सभी तृप्त हो गए प्रभु। हाँ प्रभु, भाव विभोर हो उठे हम। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें मुक्ति प्रदान हो गई। ये आप दोनों की भक्ति की शक्ति है। मैं आप दोनों की भक्ति और साधना से अत्यंत प्रभावित हूँ और आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जब भी नृत्य करूंगा तो सर्वप्रथम आप दोनों को ही उसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। आज के बाद मेरे प्रत्येक नाट्य नृत्य का आरंभ आप दोनों से ही होगा और मैं आप दोनों को अनुमति देता हूँ कि आज के बाद आप दोनों कैलाश में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, मैं आप दोनों को अपना प्रमुख गण नियुक्त करता हूँ।
आप दोनों के ही कारण संपूर्ण सृष्टि को प्रभु के आनंद नृत्यम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज से आप दोनों ऋषि ही नहीं महर्षि कहलाएंगे। और आप जैसे महान व्यक्तित्व अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से चिदंबरम मांगेंगे तो उन्हें चिदंबरम मंदिर में प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। और इस घटना को चिदंबरम रहस्यम भी कहा जाएगा। अर्थात यहाँ आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? हाँ, चिदंबरम रहस्यम के अनुसार चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे, जिनके चित्त अर्थात जिनकी आत्मा अंबर में समाहित होगी, जो दिव्य ज्ञान और भक्ति के आकाश हैं, बस जो बेलपत्र माला आकाश लिंगम को समर्पित होगी वही सभी यात्रियों को दिखाई देगी। दोनों सिद्ध पुरुषों को तो उनकी भक्ति का फल प्राप्त हो गया था, किंतु ऋषि पतंजलि के जीवन का उद्देश्य अभी संपन्न नहीं हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा अभी संसार को कुछ और भी पाना शेष था। वत्स पतंजलि, तुम्हारा जन्म मेरा भक्त बनने के लिए हुआ था, मेरे आनंद नृत्यम का साक्षी बनने के लिए हुआ था, किंतु तुम्हारे जीवन का एक और भी उद्देश्य है। पृथ्वी पर अधिकतम जीव काम, क्रोध और अन्य वासनाओं से पीड़ित हैं। योग एकमात्र ऐसा माध्यम है जो शारीरिक ही नहीं मानसिक और भावनात्मक विकारों के कष्ट से मुक्ति दिलाता है। योग तो प्राणियों के लिए अमृत के समान है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तरदायित्व देता हूँ। तुम्हें इस योग सूत्र के ज्ञान से समस्त संसार को परिचित करवाना है। इस ज्ञान का विस्तार समस्त संसार में तुम्हें ही करना है। जो आज्ञा प्रभु। इस प्रकार यहाँ चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव ने महर्षि पतंजलि को ज्ञान देकर इस स्थान को ज्ञान का प्रतीक बना दिया। और ज्ञान तो आकाश के समान अनंत अपार है, इसलिए आकाश लिंगम रूप में प्रभु महादेव ने यहाँ वास करना आरंभ किया। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन योग मुद्राओं का विस्तार कैसे किया? भाभी माँ तो बिना रुके बिना विश्राम किए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि मैं तो अभी भ्राता से उनके विवाह की बात ही नहीं कर पाया हूँ। हाँ गणेश, हमें बताओ योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए महर्षि पतंजलि ने फिर क्या किया? इसकी तो एक भिन्न कथा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए सहस्त्र योग्य शिष्यों का चुनाव किया। योग का ज्ञान महर्षि पतंजलि के सहस्त्र शिष्यों में समाहित था, जिसे आंशिक रूप से भी भूले बिना वो उसका विस्तार करना चाहते थे। इसलिए अपने उसी सहस्त्र शीष वाले रूप में उन्होंने प्रभु के इस आदेश के पालन का निर्णय लिया, किंतु शिष्यों को अपने विष से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने और उनके बीच एक आवरण कर दिया और सभी शिष्यों को ये आदेश दिया कि वो उस आवरण के उस पार ही रहेंगे, वहाँ से इस पार झांक कर भी नहीं देखेंगे। उनका एक बुद्धिमान शिष्य जो सदा प्रत्येक पाठ में आगे रहता था, उसके मन में एक जिज्ञासा प्रबल होने लगी कि उस आवरण के पीछे जो गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है। और जो शिष्य सबसे पीछे था उसे लघु शंका का अनुभव हुआ, उसे निवृत्त होने जाना था। कि
अन्य शिष्यों की ज्ञान प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहता था, तो वो अनुमति लिए बिना ही वहाँ से चला गया। जहाँ एक और पीछे बैठा शिष्य वहाँ से निकल पड़ा, वही आगे वाले शिष्य से भी अपनी जिज्ञासा को रोक पाना अत्यंत कठिन हो गया और उसने आवरण के पार झांकने का प्रयास किया। ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। प्रभु के नाम में 56 भोग के सुगंधी नहीं, स्वाद भी है। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे प्रभु की भक्ति, उसके नाम में वो रुचि है, वो तृप्ति है, जो 56 भोग में भी नहीं। उचित कहा जयंत ने, प्रभु के नाम से बढ़कर और किसी का कोई आकर्षण नहीं मुझे, भोजन का भी नहीं। फिर मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। रुक जाओ, सभी पकवान इन दोनों की कोठरी के बाहर रखवा दो। मैं भी तो देखूं कि इनकी भक्ति इनको कब तक शक्ति प्रदान करती है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। नहीं नहीं, जयंत के समान मैं भी प्रभु के नाम पर ही स्थिर रहूंगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। फिर महर्षि पतंजलि के उस शिष्य का हुआ क्या गणेश? इस आवरण के पीछे कौन है, ये जानने के लिए वो शिष्य इतना उत्सुक हो गया कि अपनी उत्सुकतावश उसने उस आवरण को हटा दिया। ऋषि पतंजलि के विष के प्रभाव के कारण उनके सभी शिष्यों का प्राणांत हो गया। केवल एक शिष्य जीवित रह पाया, जो लघु शंका के लिए गया था। अनर्थ, घोर अनर्थ, मेरे ही विष से मेरे सभी शिष्यों का आहित हो गया। ये क्या हो गया यहाँ? कहीं इसके पीछे मेरी भूल तो नहीं? ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर क्षमा, मुझे ज्ञात नहीं था मेरे उठकर जाने से इतना घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने लघु शंका को नियंत्रण में ना रख सका, किंतु मेरे कारण कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए चला गया। मैं अब किस मुख से क्षमा याचना करूं? नहीं वत्स, यहां जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा दोष नहीं।
किंतु भूल तो तुमसे अवश्य हुई कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम आए तो, परंतु तैयारी के साथ नहीं। मैं गुरु हूं, ज्ञान देना मेरा दायित्व है, जो मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, किंतु तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें दंडित भी करूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना गुरु हत्या के समान ब्रह्म हत्या पदगम है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिलेगा, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके रहोगे। ये कथा हमें सिखाती है कि अधिक जिज्ञासा कभी कभी स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य सभी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है, और ये भी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा की अवहेलना इतना बड़ा दोष है कि वो उनके दिए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देता है और गुरु हत्या के अपराध के समान होकर व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना देता है। तब तो गणेश, उस शिष्य को ब्रह्म राक्षस की अवस्था से मुक्ति इतनी सरलता से नहीं मिली होगी। हाँ भ्राता, वो ब्रह्म राक्षस अनेक वर्षों तक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में एक वृक्ष पर लटका रहा और वहाँ से जो भी जाता उससे एक ही प्रश्न पूछता। चेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सदियां बीती, वर्षों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, किंतु ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार वहां लटका रहा। पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कोई उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब ऋषि पतंजलि से अपने शिष्य का दुख ना देखा गया और उन्होंने उस शिष्य को अपने शाप से मुक्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया और नवीन रूप धारण कर वो अपने शिष्य को शाप मुक्त करने उसके निकट जा पहुँचे। शिष्य रूप में आए गुरु से भी उस ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। पक्वम, पंच धातु में क्त जोड़ने से पक्वम बनता है। अंततः ब्रह्म राक्षस को वो शिष्य प्राप्त हो ही गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी और ऋषि पतंजलि अपने शिष्य रूप में उसी पेड़ के नीचे बैठकर उससे मिलने वाले ज्ञान को पीपल पत्रों पर लिखने लगे और संचित करने लगे। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय
भूत भव्य महादेवाय। धन्यवाद गुरुवर। इस प्रकार ऋषिवर के उस शिष्य को मुक्ति प्राप्त हुई और वो प्रभु के साथ एकीकार हुए। ये ज्ञानी शिष्य अन्य कोई नहीं, स्वयं चंद्र शर्म थे, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। और शंकराचार्य वही थे जिन्होंने संसार में योग सूत्रों का विस्तार किया और चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव के स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया। जो चित्त को उजागर करे, उस योग शास्त्र का जन्म भी चिदंबरम धाम में ही हुआ। गणेश, इस परम पावन धाम की सभी दिव्य कथाएं सुनकर अब मैं प्रभु दर्शन के लिए और भी लालायित होता जा रहा हूँ और अविलंब मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसीलिए अब चलो। हाँ, केदारनाथ धाम की इस पावन भूमि में आकर मेरा मन आनंदित हो उठा। प्रभु, आपका ये रूप तो अद्भुत है। नारियल, अब देखना, जैसे ही कपूर प्रज्वलित होगा हमारे महत्व को मिटा देगा। किंतु इस कपूर में ऐसी क्या विशेषता है? प्रणाम प्रभु अर्धनारेश्वर। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपके अर्धनारेश्वर रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। पुत्री, तुम्हारी भक्ति और आरती से हम इतने प्रभावित हुए कि हम स्वयं को तुम्हें दर्शन देने से रोक ही नहीं सके। किंतु माँ, कपूर आरती के पहले मुझे नारियल और कदली फल के बीच संवाद सुनाई दे रहे थे। वो पूछ रहे थे, इस कपूर में ऐसा विशेष है तो क्या है, उनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है, ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। ये कदली फल और श्री फल स्वयं के त्याग के बाद ही मेरा प्रसाद बन पाते हैं। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर हमें प्रसन्न और आनंदित करते हैं, किंतु कपूर स्वयं को जला कर प्रकाश फैलाता है। उसका प्रकाश हमसे टकरा कर और भी दिव्य हो भक्तों के बीच हमारी दिव्यता का प्रसार करता है एवं उनके भक्ति के भाव को और भी प्रबल बना देता है। भक्ति का यही नियम है, सर्वोच्च भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को अन्य सभी के लिए न्योछावर कर देता है। जैसे कपूर, ऐसी परस्पर परम भक्ति पति और पत्नी के बीच भी होनी चाहिए कि वो दोनों अपने जीवन को एक दूसरे पर समर्पित कर एक दूसरे में घुल कर एकीकार हो जाएं। और यही हमारे अर्धनारेश्वर रूप का भी मर्म है।
हमने भी स्वयं को कपूर के भांति एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया है। कहो पुत्री, क्या तुम भी कार्तिकेय के साथ ऐसे पावन संबंध में बनने के लिए तैयार हो? माँ, मैं तो पिछले जन्म से इसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा इस जन्म का उद्देश्य भी यही है, बस स्वामी कुमार कार्तिकेय मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः। ओम कार्तिके सुब्रमण्यम स्वामी। निरंतर प्रभु के नाम में रमा रहूंगा तो भूख का आभास नहीं होगा। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मैं भूखी तो हूँ किंतु भूख के आगे नहीं, प्रभु के सामने झुकना है मुझे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो रही हूं मैं। कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। कुछ तो हो रहा है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। हो रहा है वहां जिसका मुझे आभास तो है पर ज्ञात नहीं। दुष्ट द्रोही बालक यहां पे कैसे?
इस दुस्साहस का परिणाम जाने बिना बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने। इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, पर किंतु ये यहाँ पर पहुंचा कैसे? दूंगा मैं तुम्हें, किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे? ये यहां कैसे? ये यहां भी है और ये वहां भी। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है कि एक ही समय पे दोनों दो अलग अलग स्थानों पर? ये कैसी माया है जो माया की माया से परे है? मायावी बालक, ये कैसी माया है तुम्हारी? माया होती तो आपसे कहाँ छिपती? ये तो प्रभु की दिव्यता है जिसे आप ना देख सकी और ना पहचान सकी। अचंभित मत होइए ज्येष्ठ माँ, पहचानिए मेरे प्रभु की कृपा को जो अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सके। भगवान और उसके भक्त के इस अद्भुत संबंध को देखने के लिए तो उनके भक्ति की दृष्टि चाहिए जो दुर्भाग्यवश अभी आपके पास नहीं है। और भक्ति की शक्ति तो ऐसी कि कभी भगवान अपने भक्त के पास आते हैं तो कभी वो भक्त को अपने पास आने का मार्ग दिखाते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंच जाऊंगी। ये सपना है या हकीकत? स्वामी, जब आपकी कल्पना ने मुझे इतना आनंदित कर दिया है तो आपके साक्षात दर्शन का क्या प्रभाव होगा मुझ पर? ये तो मेरी कल्पना से परे है। किंतु स्वामी, मेरी कल्पना कब साकार होगी? कल्पना अब साकार ही नहीं आकार भी लेने वाली है, और ये कल्पना तो मुझे और भी विचलित कर रही है कि जब आप यहाँ आएंगी तब क्या होगा। हे प्रभु, हे माँ, मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, अपने आकाश मूर्ति रूप में मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें और इस परम पावन धाम की मेरी इस यात्रा को सफल करने में मेरी सहायता करें प्रभु। शिवाय ओम नमः।
प्रणाम प्रभु, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माँ। पुत्र, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा तुम्हारा स्वभाव है जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। अपने भक्तों की चिंता और उनकी रक्षा करने की तुम्हारी भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें मुझे आकाश तत्व के गुण और तत्व के अपने ज्ञान से परिचित करवाना चाहिए। कार्तिकेय ने चमत्कार किया, यहाँ की सुरक्षा को भेद कर यहाँ पहुँच गया और तुम्हें भोजन करवाया। हाँ, प्रभु की लीला समझने में मैं भी पहले अक्षम था। मुझे भी लगा था कि वो देवी अजामुखी ही थी, किंतु अब मैं सत्य जान चुका हूँ। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी यहाँ आए थे, उन्होंने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। ओम आकाश मूर्ति नट राजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। ओम आकाश मूर्ति नट राजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। आकाश भूत की प्रकृति मिश्रित है, गुण फैलाव है। प्रभु की प्रकृति करुणा और गुण उपकार है। आकाश भूत का वर्ण काला है और आकार बिंदु है। प्रभु का वर्ण उनके भक्तों की भक्ति का रंग है, तो आकार है उनके भक्तों की अनंत सीमा। आकाश भूत का चक्र विशुद्धि है और मंत्र आकाश तत्व का मंत्र है। प्रभु के भक्ति उनका मंत्र है, तुम्हारी भक्ति के आह्वान पर वो यह क्यों ना प्रकट होते जब वो सर्वत्र उपस्थित है। सर्वत्र है अर्थात वो अभी भी यहाँ है, तो दिखाओ मुझे कहाँ है वो, दिखाओ। वहाँ उस छोर पर, यहाँ मेरे सामने, वहाँ उस दीवार में, यहाँ इस कोठरी में, उस खम्भ में, नीचे ऊपर यहाँ वहाँ, जहाँ देखो वही है वो। वो तो पृथ्वी में भी है और आकाश में भी। तुमने सब उचित कहा पुत्र, मैं तुम्हें अगला तत्व आकाश भूत प्रदान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या दिखाई दे रहा है इन्हें जिसे देख के ये इतने आनंदित हो रहे हैं? प्रभु
क्या है वहाँ? क्या देख रहे हो तुम? प्रभु को। मूर्ख समझा है हमें कि जो भी तुम कहोगे उस पर हम विश्वास कर लेंगे? कुछ नहीं है वहाँ। अहंकार का एक गुण है, वो कभी व्यक्ति को उसके दोष का आभास नहीं होने देता। जैसे तुम स्वयं को भगवान समझने का दोष कर रहे हो, तो कैसे होंगे भगवान के दर्शन? अहंकार तज कर भक्ति भाव से देखोगे तो स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अवश्य होंगे। तुम और तुम्हारे भगवान को तो मैं दिखाऊंगी अपनी प्रभुता। तुम्हें और अजमुखी को एक साथ मोक्ष प्रदान कर। बस अब तो तुम अपने अंतिम पल गिनना आरंभ करो। पुत्री दंडनायिका। माँ ने मुझे नहीं इसी पुत्री कहा जिसने उनका क्रोध सहकर भी उन्हें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, उसे नहीं, वरन जिसने उन्हें और अत्याचार करने का बढ़ावा दिया उसे पुत्री कहा माने। यदि पुत्री होकर भी कोई पुत्री होने का दायित्व ना निभा पाए तो उसे पुत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं। पुत्री का दायित्व तो तुमने निभाया है, इसीलिए तुम मेरी पुत्री हो। अजामुखी नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक कार्य पूर्ण करो जो अजामुखी कदापि नहीं पूर्ण कर सकती। हाँ माता, अजामुखी तो बालक कार्तिकेय को ही अपना भगवान मान चुकी है, किंतु मैं तो आप ही को अपना भगवान मानती हूँ। इसीलिए आपके हर आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगी। आप मेरे प्रति कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए माँ, मुझे अपनी पुत्री मानने से भी अस्वीकार क्यों ना कर दें, किंतु आप मेरी माँ हैं। अब तो बस प्रभु से इतनी ही विनती कर रही हूँ कि आपसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जो क्षमा योग्य ही ना हो। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 बस तुम्हारी उद्दंडता यहाँ पे समाप्त करूंगा मैं। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब अपना मुख नहीं खोल सकोगे तुम। देवताओं का ये दुस्साहस संकेत है कि अब अपने अंतिम आघात से इस जयंत का अंत करना ही होगा। तभी इन सबको ज्ञात होगा मेरे आगे अपना स्वर उठाने का परिणाम। अब अंतिम पंचभूत स्थल की यात्रा ही शेष है पुत्र, जिसे सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ है, तो फिर संसार की कोई बाधा मुझे नहीं रोक पाएगी। और पुत्र, मेरा आशीर्वाद भी सदा तुम्हारे साथ। स्मरण रखना पुत्र, एकाग्रता है स्थिरता और सफलता का परिचायक। तुम एकाग्र होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और मार्ग में मिलने वाले सभी दायित्व को सहर्ष स्वीकार कर।
मन मंदिर में तो बस अब आपका वास है स्वामी, और माँ मणिकर्णिका के पावन घाट पर आपका स्मरण कर मैं धन्य हो गई। माँ, आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गई। आपके मार्गदर्शन और स्वामी प्रभु कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलकर ये संभव हो पाया है। माँ, मुझे ज्ञात है आप मुझे अन्य दायित्व भी उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, किंतु माँ, मेरी इस यात्रा में ऐसी ऐसी अद्भुत प्रभु कथाएं सुनने के पश्चात तो मेरे हृदय में केवल और केवल एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वैराग धारण कर संपूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। माँ, जो मेरे मन में है मैं आपसे ही तो कह सकती हूँ। मुझे ज्ञात है माँ के वरदान के अनुसार ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी प्रभु कार्तिकेय की विवाहिता बनूंगी, किंतु अब उनके दिव्य कल्पना में डूबे रहने के बाद मेरी यही इच्छा है उनकी भक्ति के रंग में रंगकर उनमें ही समाहित हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं। किंतु सन्यास लेने का ये उचित समय नहीं है पुत्री, क्योंकि जीवन के चार अनिवार्य आश्रम, चार चरण जिसमें से सन्यास अंतिम, और जीवन के तीन अनिवार्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद अंतिम सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन यात्रा में ये चारों आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा प्राप्ति के लिए होता है, जिसमें धर्म अनुसार धर्म पत्नी के साथ गृहस्थी की देखभाल कर उसके कर्तव्य निभाने होते हैं। और फिर जब जीवन के सारे दायित्व पूर्ण हो जाए, तब जीवन के दैनिक कार्यों से अपनी रुचि हटाकर तब पति और पत्नी दोनों को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन का ये चरण एकांतवास का समय होता है, जब परिवार से, सामाजिक संबंधों से शनै शनै मुक्ति पाई जाती है। संसार के प्रति अपनी मोह माया के त्याग को ही सन्यास कहते हैं। जो अपने घरी में अपने जीवन साथी के साथ भी किया जा सकता है, प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम के साथ उनकी कृपा और मुक्ति की प्रतीक्षा है सन्यास। इसलिए जीवन एक तीर्थ यात्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के स्थान पर अपने जीवन साथी के साथ बीच के दो आश्रम गृहस्थ और वानप्रस्थ के जीवन चरणों के बाद ही सन्यास आश्रम में प्रवेश करना उचित है। सुरासई अत्यंत क्रोधित है, इसलिए ज्ञात नहीं वो अपनी काली माया के अनंत भंवर से जयंत पर प्रहार करने के लिए कौन सा विष निकालेंगी। पुत्री, दंड नायिका, इसका पान करो।
पहले आपने मुझे कैसा द्रव्य दिया था माँ, जिसके पान से मेरे भीतर अपार भूख का संचार हो रहा है। संचार तो मेरे भीतर हो रहा है पुत्री, प्रसन्नता का, मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को देखकर, जिसके कारण बिना एक भी प्रश्न पूछे तुमने मेरे इस मायावी द्रव्य का पान किया। और ये कोई साधारण द्रव्य नहीं है, ये तुम्हें अपार शोषण की शक्ति देगा, ऐसी शक्ति जिससे तुम बिना किसी को स्पर्श किए उसके भीतर से जल की एक एक बूंद निकाल सकोगे। प्रणाम राजमाता, समस्त असुर प्रजा को बुला लिया गया है। माँ को मध्य में टोकने वाला, उनके आदेश का उल्लंघन करने वाला भयानक दंड का अधिकारी है, और दंड देना मुझ दंड नायिका का धर्म है। उत्तम, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इतनी शीघ्र सीख लिया। इस कार्त के भक्त जयंत के अंत से संसार को ये भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि माया की माया क्या है। पूजा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, किंतु इनकी नहीं, मेरी और मेरे पुत्र सुरापद्मन की। मेरी माया से कोई नहीं बच पाएगा, ना ही जयंत, ना ही कार्तिकेय। आज माता ने तुम्हारे अंत का कार्य सौंपा है मुझे बालक, इस कार्य को पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तुम जिसे भगवान मानते हो वो बालक कार्तिकेय भी नहीं। भारत सुरापद्मन की, भारत सुरापद्मन की, भारत सुरापद्मन की, भारत सुरापद्मन की। भ्राता, माँ और पिताश्री के साथ में चिदंबरम आकाश थिल्लाई मंदिर में दर्शन प्राप्त करना कितना सुखदाई था, कितना अटल प्रेम है दोनों में, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, और इसलिए सभी कहते हैं माँ पार्वती और पिताश्री महादेव के मध्य पति पत्नी के संबंध तक ही सीमित नहीं, उनके संबंध के तो अनेकों रूप हैं। माँ और पिताश्री के संबंध के इन भिन्न रूपों का ज्ञान है आपको? हाँ हाँ अवश्य है, उनमें सर्वोच्च है मित्रता का संबंध। और आपसी समझ का, किसी भी परिस्थिति में सदा एक दूसरे के साथ रहने का। हाँ हाँ वो भी है भ्राता, किंतु उनके संबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो आप भूल रहे हैं। अच्छा, तो यदि मैं भूल रहा हूँ तो तुम मुझे स्मरण करा दो गणेश। उचित है भ्राता, यदि आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ, परंतु इससे कहीं आपकी यात्रा में विलंब ना हो जाए, अतः अभी हमें चलना चाहिए। वैसे भी अब तो मात्र एक धाम ही शेष है, उसके उपरांत आपको पाशुपतास्त्र प्राप्त हो जाएगा। जीवन जिसका भी हो, कोई ना कोई गुरु ही उसे दिशा दिखाता है। तुम्हें ज्ञात है मेरे गुरु का नाम? अब तो बता दो, वो कौन सा संबंध है माँ और पिताश्री के मध्य जिसका ज्ञान मुझे नहीं है? गुरु और शिष्य का संबंध। मेरे गुरु हैं प्रभु महादेव। प्रभु महादेव, वो कैसे, वो आपके गुरु कैसे बने? वो कथा आपके अगले पंचभूत स्थल जल स्थल अर्थात थिरुवानकैव तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर मंदिर धाम से संबंधित है। महादेव की अर्धांगनी देवी पार्वती को ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई, जिसके लिए ऋषि मुनि एवं कैलाश में वास करने वाले सभी भक्तगण तत्पर रहते हैं। किंतु माँ जब जब पिताश्री से शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती, तब पिताश्री प्रत्येक बार कोई ना कोई कारण बताकर उनके इस अनुरोध को टाल देते। स्वामी, आप बताइए मुझे, आप मेरी शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब पूर्ण करेंगे?
जब उचित समय होगा। अभी मुझे एक भक्त के पास जाना है जो दीर्घ समय से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा कठोर तप कर रहा है। किंतु स्वामी, स्वामी, प्रभु ने माँ को एक संकेत दिया था, किंतु वो तो प्रभु से क्रोधित थी, इसलिए उनके किसी भी संकेत को पढ़ पाने में असमर्थ थी, और ऐसा एक से अधिक बार होता रहा। प्रभु, स्वामी, स्वामी, जिस शिव ज्ञान को आप अपने भक्त को प्रदान करके आ रहे हैं, स्वामी, वो शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कितने समय से आतू, बताइए ना स्वामी, वो शिव ज्ञान आप मुझे कब प्रदान करेंगे? शीघ्र भी, जब उसका उचित समय होगा। जो ज्ञान प्रभु के भक्तों को प्राप्त हो सकता है वो उनकी अर्धांगिनी का अधिकार है, फिर प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? समय के साथ शिव ज्ञान प्राप्त करने की देवी पार्वती की आतुरता बढ़ती जा रही थी, किंतु प्रभु के अनुसार देवी पार्वती को और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। फिर एक दिन शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा। प्रभु, हम सभी गणों को शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस ज्ञान को पाकर हम धन्य हो गए। प्रिये, प्रणाम माता। ये क्या स्वामी, आपने अपने इन गणों को जिस ज्ञान का अधिकारी समझा, मैं उससे वंचित क्यों? बताइए ना स्वामी, मुझे शिव ज्ञान ना देने के पीछे क्या कारण? क्या आपकी दृष्टि में मैं इसके योग्य नहीं हूँ? देवी पार्वती, ये सभी गण मेरे शिष्य हैं। आज तक जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो या तो मेरे शिष्य हैं अथवा भक्त जिन्होंने उसे पाने के लिए कठोर तपस्या की है। ये ज्ञान में किसी को भी इतनी सहजता से प्रदान नहीं कर सकता। आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। प्रभु ने सभी के सामने मुझे अयोग्य घोषित कर मेरा अपमान क्यों किया? यदि उन्हें यही बताना था तो एकांत में मुझे क्यों नहीं बताया? चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। क्या हुआ देवी पार्वती, आप इतनी दुखी क्यों हैं? अवश्य भ्राता, महादेव से कोई नोकझोंक हुई है। नोकझोंक तो तब होती है जब पति और पत्नी के बीच, किंतु प्रभु ने तो मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया। किंतु प्रभु ऐसा कहे, इसके लिए विवश तो आप ही ने किया था ना? समझ गई देवी सरस्वती, बहन तो सदा भ्राता की ही ओर से बोलेगी ना? नहीं नहीं देवी पार्वती, हम दोनों आपकी सखी हैं,
और सच्ची सखियां कभी सत्य कहने में संकोच नहीं करती। आपको समझाना तो हमारा दायित्व है। उचित है फिर कि यदि स्वामी मुझसे अपनी तपस्या करवाना चाहते हैं तो मैं अवश्य करूंगी। जिस प्रकार उन्हें पति रूप में पाने के लिए मैंने घोर तप किया था, उसी प्रकार उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए भी करूंगी। किंतु कैलाश में नहीं, यहां से कहीं दूर। और मैं ये प्रण लेती कि जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे। और इस प्रकार माता ने ठान लिया कि वो पिता श्री प्रभु महादेव से शिव ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी, किंतु एक अर्धांगिनी बनकर नहीं, अपितु एक शिष्य बनकर। और इसलिए वो प्रभु से बहुत दूर यहाँ दक्षिण में आ गईं। और फिर कावेरी के तट पर पहुंचकर कावेरी के शीतल जल ने जब देवी पार्वती के पांव का स्पर्श किया, तब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसी स्थान को अपना तप स्थल बना लिया और एक नवीन रूप धारण कर तपस्या करने लगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय। उठिए देवी, प्रणाम प्रभु। आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, बताइए मुझे, क्या अब मैं शिव ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हूँ? जो ज्ञान मेरा है उस पर आपका भी अधिकार है और आप सदैव उसके योग्य भी थी और हैं भी। फिर आपके इस तप का तो एक महान उद्देश्य भी था देवी, पांच भूतों में से एक मेरे जलभूत शिवलिंग की स्थापना का, जो जगत की सर्वोच्च देवी अर्थात आपके हाथों से ही होना संभव था। इसलिए आज से यहाँ आपकी पूजा अखिलंदेश्वरी रूप में होगी। अखिलन अर्थात समस्त ब्रह्मांड और ऐश्वरी अर्थात सर्वोच्च देवी, और यहाँ मेरे शिवलिंग की पूजा जम्बुकेश्वर रूप में होगी। आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद स्वामी, किंतु मैं तो सर्वोच्च ज्ञान अर्थात शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत हूँ। शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा। तब मेरे इन वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया जाएगा। आगम अर्थात ज्ञान अर्जन, शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उप आगम होंगे और उन सभी में भी इस ज्ञान के अंश होंगे जो मैं अब आपको उपदेश के रूप में प्रदान करूंगा। सेतु बंधे चरा में शम घुष में शम च शिवालये हे गुरुवर स्वामी, मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करने के लिए और मुझे ये शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपका गुरु हूँ प्रिय, तो आप भी मेरी गुरु हैं।
आपने भी मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। सीख दी? मैंने स्वामी? कौन सी सीख? आपके द्वारा कैलाश का त्याग कर वहां से इतनी दूर आने पर मैं समझ सका कि मुझे जो भी कुछ आपसे कहना था वो एकांत में कहना चाहिए था, उस प्रकार सबके सामने नहीं। मैं वचन देता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नहीं स्वामी, दोष तो मुझसे भी हुआ था। मैं आपको वचन देती हूँ कि पुनः अन्य जनों के सामने आपको उत्तर देने के लिए मैं कभी विवश नहीं करूंगी। अर्थात गणेश जी, जिस शिवलिंग की स्थापना माता ने इतने प्रेम और भक्ति भाव से की, वह जल तत्वों से बना शिवलिंग यहाँ स्थित है। हाँ, किंतु जैसा माँ ने कहा था, प्रभु अप्पू लिंगम साधारण भक्तों को अपने सामान्य रूप में ही दिखाई देंगे। उनके भीतर समाहित जल भूत के दर्शन कुछ श्रेष्ठ भक्त ही कर सकेंगे। इस घटना के पश्चात प्रभु महादेव न केवल मेरे गुरु बने अपितु अपने गुरु की उपाधि उन्होंने मुझे भी दी। जो वचन प्रभु महादेव ने देवी पार्वती को दिया वो विवाह का एक और वचन बना। न मेप मानम सविधे सखीना द्युतम नवा दुर्व्यसनम भंज श्वेत। अर्थात मित्र हो अथवा परिवार, किसी के भी सामने एक दूसरे का अपमान ना करना, ना ही पति पत्नी के सम्मान को भंग होने देना, जिसके लिए ये अनिवार्य है कि पति और पत्नी दोनों ही कोई भी अनुचित कर्म ना करें। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं इस पावन काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर प्रभु के दर्शन कर सकूं। अवश्य पुत्री, तुम कुमार कार्तिकेय का अनुसरण करते हुए वहाँ अवश्य पहुँचोगी और उसके बाद तुम्हारी उनसे भेंट होगी, और ये मेरा आशीष है कि तुम्हारे भेंट का परिणाम अत्यंत शुभ हो। जगत के सामने अप्पू लिंगम बहुत समय पश्चात प्रकट हुए, किंतु उनकी स्थापना के उपरांत एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उनकी पूजा आराधना ना हुई हो। किंतु गणेश जी, जिन शिवलिंगों के स्थान से उनके अस्तित्व से सभी अपरिचित थे, उनकी निरंतर पूजा होना भला कैसे संभव है? क्योंकि ये शिवलिंग वन में स्थापित हुए थे, इसलिए मनुष्यों द्वारा इनकी पूजा से पूर्व यहाँ गज अपने झुंड में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करने आते थे, और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा थिरुवानका। थिरु अर्थात पवन, आनय अर्थात गज, और का अर्थात वन, जिसका अर्थ है वन में वो पावन स्थान जहाँ गज पूजा करते हैं। अब तो मैं भी प्रभु अप्पू लिंगम के दर्शन के लिए तत्पर हो उठाऊं गणेश। अवश्य भ्राता। के सामने देवताओं और इस जयंत का मान धूल धूसरित होगा। गौरीशंकराय नमः। गौरीशंकराय नमः। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हरिचरण रजोहारिणी स्वर्ग मार्गे प्रायश्चित्तं यदि स्यात्कचल कणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थ स्त्रिय जगदग हरे देवी गंगे प्रसीद। ओम
गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। भारत सुरापद्मन की जय। भारत सुरापद्मन की जय। क्या हुआ बालक, तुम्हारा उत्साह कहाँ खो गया? या तुम्हें उस कार्तिकेय पर विश्वास नहीं रहा? वैसे उचित भी है, इतने असुरों के मध्य कहाँ आ सकेगा वो भला। न विश्वास को है और न प्रभु में आस्था, किंतु निराश तो मैं फिर भी हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी मुझे असुरक्षित रहने देंगे, क्योंकि ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे निराशा तो इस बात की है कि असुर जन समुदाय, जिसमें असंख्य असुर है, ये सभी इतने अज्ञानी हैं कि प्रभु के जय जयकार के स्थान पर सूरसई और सूर पद्मन के जय जयकार कर रहे हैं। आज तुम्हारा अहंकार अवश्य भंग होगा, तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी और पूरे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें किस वास्तविक भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और किसका नाम जपना चाहिए। प्रणाम प्रभु। पुत्र, मैं तुम्हारे पंचम पंचभूत तक सफलतापूर्वक पहुंचने से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि सर्वप्रथम तुम्हें जल के गुण और प्रकार का रहस्य उजागर करना होगा, तभी तुम जल तत्व की ऊर्जा को अपने भीतर गतिशील कर सकोगे। भारत सुरापद मन की जय। 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 भारत सुरापद मन की। मैंने उचित ही समझा था, माँ अवश्य किसी काली माया का ही प्रयोग कर रही है। ये काली माया तो पुत्र जयंत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ओम नमः शिवाय। प्रभु, जल की प्रकृति शीतल है, गुण है द्रव्यता और संकुचन। महाराज सुरापद मन की जय। 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 ये आमिचर जय जयकार इस दर से भी अधिक अस्पताद है। महाराज सुरापद मन की जय। 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 ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी जय। महाराज सुरापद मन की जय। हे प्रभु, शीघ्रता कीजिए, सुनिए अपने भक्त को, सुनिए अपने भक्त की पुकार, सुनिए। शीघ्रता कीजिए, सुनिए अपने भक्त की पुकार, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। महाराज सुरापद मन की जय। महाराज सुरापद मन की जय। माता सुरसाई की जय। भारत सुरपद्मन की जय। माता सुरसाई की जय। भारत सुरपद्मन की जय।
ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे प्रभु शीघ्रता कीजिए, सुनिए अपने भक्त को, सुनिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, सुनिए अपने भक्त की पुकार। कदाचित जयंत फिर संकट में है, इसलिए भ्राता की एकाग्रता भंग हो रही है। वो दुष्ट जयंत के तन को जल तत्व से वंचित कर रहे हैं। वो ऐसा कर सके उसके पहले भ्राता को जल तत्व की ऊर्जा प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जल का वंश श्वेत और आकार। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी गुहार सुनिए। और आकार है अर्धचंद्र, चक्र है स्वाधिष्ठान और मंत्र। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की पुकार, उनके भजन के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, किंतु मुझे जल तत्व का मंत्र तो बताना ही होगा। ये देव सेनापति अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्र जयंत और अन्य देवताओं पर कोई संकट आया हो जिसका कारण ये विचलित हो रहे हैं? माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन की। अब और नहीं देखा जाता। प्रभु को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कारण जो भी हो, किंतु अब तो हमें कुछ करना होगा। महाराज सुरा पद्मन की, माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन की। भ्राता को एकाग्र मन से जल तत्व का मंत्र ढूंढकर अपनी यात्रा को शीघ्र संपन्न करना होगा। मुझे तो बस अपने भक्तों की गुहार ही सुनाई दे रही है। सोख लूंगी तुम्हारा संपूर्ण जल तत्व, सोख कर तुम्हें प्राणहीन कर दूंगी मैं। हमें सक्रिय होना ही होगा, परिणाम कुछ भी हो किंतु हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। इस दुष्ट को रोकने का कुछ उपाय करना ही होगा हमें। समय होते ही अगर तुम सभी ने हमको अपना भगवान स्वीकार नहीं किया तो दंड नायिका तुम्हारे प्राण हरण करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगी। और इन देवताओं ने उद्दंडता की तो उनके प्राण मैं सोखूंगा। माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन की। माता सुरा सही की, माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन की। ओम प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन की। माता सुरा सही की, माता सुरा सही की, महाराज सुरा पद्मन। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। देवता होते हुए भी मूर्खों के भांति व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी यह मूर्खता तुम्हें भारी पड़ेगी। देखा मूर्ख देवताओं, तुम्हारी ऊर्जा रोक दी मैंने। अब तुम्हारी ये ऊर्जा वरुण देव के जल को रोकेगी भी और आहत भी करेगी।
वायुदेव मेरे सेवक, देख लिया परिणाम, अब तुम दोनों मेरे वार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर जल की करतल ध्वनि मात्र सुनाई दे रही है, मुझे और एकाग्रता से सुनना होगा। प्रभु, जल का मंत्र है वम। जल मंत्र वम के शब्द नाथ ने मुझे तुम्हारे भीतर जल तत्व को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया है पुत्र, इसलिए जल तत्व की शक्ति प्राप्त करो। प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भरा सुरा पद्मन की पुत्र सुरा पद्मन, इसे आधार बनाकर इन देवताओं को और दंडित करो। पुत्र, तुम स्वयं परम ब्रह्म हो, इसीलिए ये पंचभूत तो तुम्हारे भीतर पहले से ही थे, किंतु मेरे पंचभूत स्थलों की यात्रा संपन्न कर अब तुमने इन्हें पहचान कर अपने भीतर गतिशील भी कर लिया है, जिन पर नियंत्रण तुम इस कड़े की सहायता से कर सकोगे। इन क्रियान्वित पंचभूतों की ऊर्जा प्राप्त कर अब तुम पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के भी योग्य हो गए हो, जो तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। किंतु इस समय तुम्हारे भक्त संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे और मेरे पुत्र असुर सम्राट सुरा पद्मन को भगवान न मानने का परिणाम, ये बालक कैसे शक्तिहीन पड़ा है। कहां गई तुम्हारी भक्ति, कहां गया तुम्हारा वो भजन। बस अब कुछ क्षण शेष है, ये भक्त उसकी कात के भक्ति दोनों का अंत हो जाएगा। जय हुई है मेरी तो जय जयकार होनी चाहिए मेरी। भरा सुरा पद्मन की, माता सुरा सही की। भरा सुरा पद्मन की, माता सुरा सही की। भरा सुरा पद्मन की, माता सुरा सही की। जब तक मेरे प्राण शेष रहेंगे मैं प्रभु का स्मरण
करता रहूंगा। छत्र छाया में जो भी भक्त आया उसे भला कौन हानि पहुंचा सकता है? आपके दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए प्रभु। ये कुशल कैसे हो रहा है? दंड नायिका, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। जो भी माया है तुम्हारी बालक, आज मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। सफल होंगी मैं तुम्हारा अंत करने में। मेरी काली माया की शक्ति विफल कैसे हो सकती है? असंभव है। तो ये फिर कैसे संभव हो रहा है? मेरा शरीर क्यों फूलता जा रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पानी मैं जयंत के शरीर से सोख रही हूँ वो मेरे अंदर क्यों समाहित होता जा रहा है? दंड नायिका ने तो अपनी संपूर्ण शक्ति जोग दी है, फिर इस बालक पे कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? का अंत नहीं होना चाहिए था, अंत तो इस बालक का होना चाहिए था। जय जयकार इस कार्तिकेय की नहीं
हमारी होनी चाहिए थी, हमारी। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं। बंद करो सदा के लिए ये अनर्गल प्रलाप, असत्य मायावी भ्रम और छलावे को। सत्य मानने की भूल की है तुम सबने, किंतु सत्य तो मात्र एक मैं ही हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान, तुम सबका भगवान, भगवान सुरा पद्मन। इसलिए जय जयकार करनी है तो मेरी करो, भगवान सुरा पद्मन की। मेरा पुत्र अजय, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और कोई बालक तो कदापि नहीं। अपने तुच्छ माया से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो सत्य में एक बालक ही है, और तुम सब ये मान बैठे कि तुम सदा के लिए सुरक्षित हो। भूल है तुम्हारी, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि मेरी क्रोध अग्नि तुम सबको भस्म कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज्ञात हुआ कि कौन है तुम्हारा भगवान। माता सुरा सई की जय, माता सुरा सई की जय, महाराज सुरा पद्मन की जय, महाराज सुरा पद्मन की जय, माता सुरा सई की जय। एक बार पुनः आपने अपने भक्त की, मेरे पुत्र की रक्षा की, प्रभु कार्तिकेय आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके पंच तत्व रूप से क्रियाशील होने के बाद आपका कड़ा भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका है। अब कृपा कर आगे का मार्ग सुनिश्चित कीजिए और हमें बताइए कि पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना होगा। इन क्रियान्वित पंच भूतों की ऊर्जा प्राप्त कर अब तुम पशुपतास्त्र प्राप्त करने के भी योग्य हो गए हो, जो तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। प्रभु महादेव का संकेत तो यही है कि इस समय हमें सुरा पद्मन की नगरी महेंद्रपुरी की ओर बढ़ना चाहिए, और उचित समय आने पर प्रभु स्वयं मुझे पशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। यहां तो गहन अंधकार है, कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किंतु ये स्थान कौन सा है? ज्ञात नहीं है कौन सा स्थान है, बस इतना ज्ञात है कि कितना गहरा अंधकारी स्थान संपूर्ण सृष्टि में और कोई नहीं। मैं अपनी अग्नि को प्रज्वलित करता हूं, उसके प्रकाश में देखकर इस स्थान को पहचान सकेंगे। बड़ा विचित्र अंधकार है, अग्नि देख के अग्नि भी इसे प्रकाशित नहीं कर सके। अंधकार में धूम्र से घिरे हैं हम, इसलिए हमारी दृष्टि बाधित हो रही है। मैं अपने वायु प्रवाह से इसे निष्फल करने का प्रयास करता हूं। Yeah.
मैं अपनी माँ से परिचित ही हूँ। ये अंधकारी माया अवश्य काल कोठरी होंगी, जहाँ उनकी इच्छा के बिना कोई हम तक नहीं पहुँच सकता है। किंतु प्रभु कार्तिकेय और उनके आशीष को कोई नहीं रोक सकता। पुत्र जयंत, पुत्र जयंत। हमें दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि महेंद्रपुरी लंका के आगे ही है। उचित कहा तुमने गणेश, हम आगे बढ़ेंगे, तुम नहीं। क्योंकि अभी तक भी तुमने मुझे ये नहीं बताया है कि तुम मुझसे क्या गुप्त रखते आए हो, और इसका विचार युद्ध में मेरी एकाग्रता को भंग करे ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु भ्राता। किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज, जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। आइए। क्षमा करें भ्राता, आपसे कुछ छिपाने में मुझे भी अपार कष्ट होता है, किंतु मैं अभी भी अपना आशय आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, किंतु ऐसे समय में जब स्वयं भाभी माँ यहाँ पहुँचने वाली हैं, तो मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं जाऊंगा भी नहीं।